बरका चौकी डोंडी से मिल रही है, जहां हाथियों का आतंक लगातार जारी है। जंगल से खेत, खेत से रहवासी इलाकों में हाथी का दल पहुंच रहा है और ग्राम जबकसा में हाथियों का दल घुस चुका है। आदिवासी मंगलू राम गोट के घर को तोड़ दिया और जान बचवाकर ग्रामीण पड़ोसी के घर की छत पर चढ़ गया और जबकसा के ग्रामीणों के फसलों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है और ग्रामीणों ने दहशत में रत जगा भी की और डोंडी वन विभाग सुबह गांव की स्थिति का जायजा लेने पहुंचा और ग्रामीण डोमन कोसरा के मोटरसाइकिल को भी चकनाचूर कर दिया है। तो लगातार ग्रामीण परेशान हो रहे हैं और हाथियों के दल का जो आतंक है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो आपको बता दें कि मामला पूरा डोंडी का है, जहां पर जंगल से हाथी का दल ग्रामीण इलाकों में पहुंच चुका है, जहां पर लगातार दहशत देखी जा रही है और रात भर जागने को भी वहां के लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि एक हाथियों का दल एक घर में घुसा, घर को तोड़ा गया, जिसके बाद एक मोटरसाइकिल को भी पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया, जिसके चलते वहां के ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। पर अभी तक हाथियों पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं किया गया है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता लक्ष्मीकांत जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत, लगातार हाथियों की दहशत देखी जा रही है, वन विभाग को क्या इसकी जानकारी अभी तक दी गई है? जी देख, बताना चाहूंगा, ये हाथियों का दल गरियाबंद से होते हुए धमतरी में रहा, उसके बाद बालोद जिले के गुरूर पहुंचा और उसके बाद डोंडी परिक्षेत्र में 10 से 15 दिन से ये उत्पात मचा रहा है जी। इसके उत्पात मचाने का दौर लगातार जारी है, जंगली क्षेत्रों से खेतों के भी पर आया, उसके बाद ये जो हाथी का जो दल है अब वो रहवासी इलाकों में आ रहा है। वन विभाग लगातार लोगों से अपील कर रही कि घरों में ही रहे जी। और जितना हो सके खेतों में शाम को ना जाए, ऐसा अपील वन विभाग द्वारा किया जा रहा है जी। पर अब हाथियों का दल खेतों से रहवासी इलाकों में आ गया और कल रात जबकसा गांव में जो हाथियों का दल है उसने बहुत ज्यादा उत्पात मचाया, ग्रामीणों की कई एकड़ फसलों को बर्बाद कर दिया जी। कई घरों को नुकसान पहुंचाया है। उसके साथ साथ एक ग्रामीण अपने खेत जा रहा था शाम के समय जी। तो उसने हाथी का दल रास्ते में देखा तो वहीं बाइक छोड़ दिया उसने जी। तो उस बाइक को भी उसने हाथी ने अपने पैरों के तरह चकनाचूर कर दिया कुचलकर जी। और लक्ष्मीकांत, वन विभाग लगातार घर में रहने की अपील कर रहा है, पर एक ग्रामीण का, आदिवासी का घर भी तोड़ दिया गया है, तो अब तो घर में भी सुरक्षित नहीं है, तो किसी तरह के कोई सख्त इंतजाम नहीं किए गए अभी तक? जी, ऐसा कोई पक्का इंतजाम तो अभी वन विभाग द्वारा नहीं किया गया है, जिससे हाथी मतलब ग्रामीण रहवासी इलाकों में ना घुसे, जिसके चलते अब जो हाथियों का दल है वो जंगली क्षेत्रों से होते हुए ग्रामीण इलाकों में भी घुस रहे हैं और उत्पात मचा रहे हैं। इससे पहले भी कुछ दिनों पूर्व डोंडी ब्लॉक के ही केकटीपारा गाँव में एक ग्रामीण के घर में घुसकर हाथी ने केले के पेड़ को खाया था, पर वहां पर हाथी ने किसी प्रकार घर में नुकसान नहीं किया था, जिससे चलते ग्रामीण अभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। उस क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग आज भी दहशत में रात बिता रहे हैं और रात भर गांव के लोग इकट्ठा होकर बिना सोए ही आग के पास बैठकर जग रहे हैं। चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा कि आगे वन विभाग क्या कुछ इस पर कार्रवाई करता है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे एक और